गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द SST क्लास। टुडे वी विल स्टडी अवर फर्स्ट चैप्टर इन ज्योग्राफी, दैट इज़ द अर्थ इन द सोलार सिस्टम। अर्थ का मतलब होता है बच्चों वो पृथ्वी जिस पर कि अपन रहते हैं, और सोलार सिस्टम मतलब हमारा सौर्यमंडल। ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज। जो भी ऑब्जेक्ट्स अपन रात के समय आसमान में देखते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज कहलाते हैं। इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स एंड कॉमेट्स। अब जो अपने दिमाग में एक सवाल आता है कि ये सब बने कैसे, तो इसके बारे में हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी। बिग बैंग थ्योरी में क्या माना जाता है कि पहले जितना भी जो हमारा ब्रह्मांड था या जो हमारा यूनिवर्स था, ये पूरा का पूरा एक ही था, लेकिन फिर अचानक से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोज़न हुआ और उस एक्सप्लोज़न के कारण से बहुत सारे जो एटम्स और बाद में जो मॉलिक्यूल्स थे वो बने, और ये मॉलिक्यूल्स जब एक साथ जुड़े तो इन्होंने बड़े बड़े बादल बनाए गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स के। इन बादलों को जाना जाता है नेब्यूले के नाम से। हर एक नेब्यूला जो होता है इसकी अपनी ग्रेविटी होती है और अपना स्पिनिंग मोशन होता है। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और स्पिनिंग मोशन मतलब घूमते रहना। इस नेबुला में बहुत सारे एटम्स जो थे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, और इसके कारण से ये एक दूसरे से जुड़े बहुत तेज़ गति से, जिसके कारण से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हुई, और इस हीट के प्रोडक्शन के कारण बहुत सारी चमकती हुई बॉडीज बनी, जैसे कि तारे। हमारा जो सन है ये भी एक स्टार है। ये माना जाता है कि हमारा जो सन है वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था। बहुत सारे स्टार्स एक साथ मिलकर के एक गैलेक्सी बनाते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज एक साथ मिलकर के यूनिवर्स बनाती हैं। यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग एज न्यू स्टार्स एंड बीइंग बॉर्न। गैलेक्सी जिसमें कि हमारा सोलर सिस्टम बिलोंग करता है, ये आकाशगंगा या मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है। एक साफ रात में बच्चों आप आसमान की तरफ देखोगे तो आपको आकाशगंगा दिखाई देगी, या आपको एक धुंधली सी आसमान में रोशनी की तरह दिखाई देगी। हम डिस्टेंस जो है यूनिवर्स का वो लाइट ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड कवर्स इन अ ईयर। मतलब रोशनी जो है वो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलती है, और हमारी अर्थ तक आने में वो कितना समय लेती है उसको कहा जाता है लाइट ईयर। नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस। स्टार्स मतलब तारे, और कॉन्स्टिलेशंस मतलब तारे जो आकृतियाँ बनाते हैं। बच्चों रात के समय अपन आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारी डिफरेंट कलर्स की तारों को अपन एक साथ एक डिज़ाइन जैसा बना लेते हैं। हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स वो भी तारों की अलग अलग डिज़ाइंस को जो एक शेप बनाते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन। जैसे आप लोगों ने आसमान में देखा होगा सप्तऋषि मंडल को। सप्तऋषि मंडल एक बड़ी सी चम्मच के जैसा दिखाई देता है। इसमें चार तारे एक तरफ और तीन तारे एक लंबी सी लाइन में होते हैं, मतलब दो तारे एक साइड में और बाकी के पांच तारे एक ही रो में होते हैं। तारे हमें दिखाई पड़ते हैं टिमटिमाते हुए, ट्विंकल करते हुए, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स से होकर के गुजरते हैं। हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। इट इज़ जस्ट वन अमंग द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। ये केवल एक तारा ही है जो कि इसके जैसे बहुत सारे तारे हैं हमारे यूनिवर्स में। तारे हमें छोटे दिखते हैं
क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत 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 ज़्यादा दूर हैं. बट सन अपीयर्स अस बिग बिकॉज सन इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ अवर अर्थ. बींग नियरर टू द अर्थ दैन एनी अदर स्टार इट लुक्स बिग एंड ब्राइट जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ फायर. अगर आप बच्चों एक स्टार होता है जिसे हम नाम देते हैं पोल स्टार या फिर इसे हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं. ये एक ही पोजीशन पे आसमान में दिखाई पड़ता है. ये नॉर्थ पोल के ऊपर है और इसलिए इसे पोल स्टार या नॉर्थ स्टार का नाम दिया जाता है. एंशिएंट टाइम्स में लोग नॉर्थ डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प लिया करते थे पोल स्टार की या नॉर्थ स्टार की. उर्सा माइनर, ओरियन, कैनिस, मेजर एंड हाइड्रा ये कुछ दूसरे कॉन्स्टिलेशंस हैं जिनके बारे में अपन जानते हैं. सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टम क्या है बच्चों? द सन एंड द प्लैनेट्स और द सन्स फैमिली टुगेदर मेक द सोलार सिस्टम. द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम. इट इज़ द लार्जेस्ट मेंबर. इट हैज़ ए ह्यूज मासेस विच गिव इट अ वेरी पावरफुल फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो उसके कारण से हमारी अर्थ और अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको इसने सन ने जोड़ रखा है और इसी कारण से सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में या पाथ में ही चक्कर लगाते हैं. ऑर्बिट मतलब पाथ, वो रास्ता जिस पे कि प्लैनेट्स चलते हैं. हमारा जो सन है वो इंटेंस हॉट और बर्निंग गैसेस, इंटेंसली मतलब बहुत ज़्यादा गर्म और जलती हुई गैसों से बना है. मेन जो कंटेंट्स हैं गैसेस के वो हाइड्रोजन और हीलियम हैं. सन का सरफेस टेम्परेचर, सरफेस मतलब सतह, 6000 डिग्री सेल्सियस है. ये रोशनी का बहुत इम्पॉर्टेंस सोर्स है जो कि लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सन हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस. अब मैंने अभी आपको बताया था कि रोशनी जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलती है और सन की रोशनी को हमारे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है. तो आप सोचिए वो कितना रास्ता तय करती है. दिस लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स. वी आर दस एबल टू सी देम इन द स्काई इवन दो दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. सूरज की रोशनी जब प्लैनेट्स पर गिरती है तो प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट होते हैं, जैसे हमारी अर्थ, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, वो सैटेलाइट हमें दिखाई पड़ते हैं बिकॉज द प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट. दैट इज़ वाई वी आर एबल टू सी द सैटेलाइट्स. ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द अनादर टॉपिक.